ओ रानी, ओ रानी, मैं कालिदास एक महान पूर्वक आपको पाने की आशा रख जो भी है। थैंक यू आपको। पुतिन ने सोचा कि ये यूक्रेन तो हमारा जो लार्जर रशिया का समय से ये मेरा अंदर में था, उस एक सोच से ही इतना बड़ा लड़ाई हो गया, इतना लोग मर रहा है। तो हमारा जीवन में भी ऐसे है, तुम लोग भी ना कल से अगर सोचेगा हमने जो आप लोग को दादा कराया, हम जब कोई करे दिल भी जनता है शाहरुख भी गाय अभी हमको बताना है कि कौन सबसे जमेला था। अच्छा हमारा ये हेडमास्टर सर थोड़ा से हम कुछ ये बच्चा लोग को पेप्सी पिलाएंगे क्या, लेके आओ तो डायलॉग को बोल दो, हम एक्टिंग करके देखते हैं। आप डायलॉग को बोल दीजिए, आप डायलॉग बोलेगा। हाँ आप डायलॉग को बोल दीजिए, डायलॉग हम बोल देगा। हाँ हम बोल देगा। हाँ हम ये है कालिदास है, एक्टर है, ये एक प्रिंस है। अब डायलॉग खुद बोल पाएगा? नहीं नहीं ये नहीं बोलेगा, हम बोलना है ना। आप प्रपोज करना है? हाँ हम प्रपोज करना है, कालिदास है हम। ये असली डायरेक्टर भी है, असली ये एक्टर भी है, आप लोग ये कैपिटल मूवी का एक्टर डायरेक्टर है। चलो आप लेकिन थोड़ा एक्ट्रेस कैसे करा करना है ना, तो नहीं तो मेरा वो डायलॉग नहीं आएगा ना। हाँ नहीं क्या एक्ट्रेस जैसे आना पड़ेगा ना, तब तो हम थोड़ा यही करेगा। नहीं ये तो पूरा घबरा रहा है, दूसरा कोई हिम्मत है आ जाओ, आओ चलो कम कौन है ना, चलाओ होगा आप आ जाओ पीछे। हाँ चलो अभी तो सचमुच का ये एक्ट्रेस जैसे है, लेकिन हम तो बुरा हो गया ना, फिर भी चलेगा। आपका डायलॉग हम बोल देगा। तो आप कालिदास है और ये राजकुमारी है ना, राजकुमारी आप तो राजकुमारी वाला पोस्ट में खड़ा रहो। नहीं नहीं वो कर लेगा, कॉन्फिडेंस से कर रहा है ठीक है। और आप अपना सुंदरता को, आप एक राजकुमारी है जो आपके आपके पास जो सुंदरता है तो वो आप जो खड़ा रहता है आपका जो पोस्चर वो उसमें दिखना चाहिए ठीक है। तो आप में एक अदा होना चाहिए, जब आपको कोई प्रपोज करता है तो राजकुमारी वाला जो अदा होता है आपको तो आइडिया होगा, राजकुमारी का जो अदा होता है। तो आप कालिदास तो एक सबसे बुर्बक इंसान था सर, तो एक बुर्बक इंसान आपको प्रपोज करेगा, बट देन प्रपोज सर ये आपको मान जाता है क्या? नहीं मानता है। ये बोलता है कि तुम क्यों पागल इंसान है, माने ये एक शरीर और हड्डी को क्यों इतना तुम प्यार करता है, असली में तुम भगवान को प्यार करो तब जाके तुम बहुत बड़ा आदमी होगा। हमारा जैसे ये तो हमारा शरीर तो कुछ यहाँ कुछ नहीं है ना, सिर्फ मांस और हड्डी है, आप इसका पीछे क्यों पड़ा है बोलते हैं उसको, तब उसका माथा खराब हो जाता है। अरे हम जिसको इतना मान रहे हैं वो हमको ऐसे बोलता है, उसका माइंड चेंज हो जाता है उसका बात, तो उसका सोच उसमें। इसलिए आज यहाँ बच्चा लोग को हम जो बताने जा रहे हैं कि कालिदास का एक क्लिक माइंड में सब चेंज कर दिया तो वो पूरा कालिदास हो जाता है, एक एक बुद्धू इंसान जो है। आपको नहीं मानना, आप बोलना है कि आप बोलना है कि मेरा वो बता दो ना शरीर और हड्डी शरीर है ना, मैंने दिस इज ओनली बोन इन मसल्स ना, व्हाई यू आर आफ्टर दिस? नहीं नहीं आपको बोलना है जो आपको प्रपोज कर रहा है ना, तो आप मना करना है, तो इनका जो प्रपोजल होगा वो ऐसा रहेगा कि वो एक्चुअली में आपको सुंदरता को लेके प्रपोज करता है। तो आप चाहते हैं कि सुंदरता के ऊपर आपको कोई प्रपोज ना करे, तो आप उसको रिफ्यूज करना है। तो आप बोलना है कि शरीर को देख के आप
मेरे पे मत जाइए, आप सुंदरता को देख के मेरे पे मत जाइए, जो मन का सुंदर जो भगवान को पा सकता है ऐसा सुंदर जो सोच विचार है उस हिसाब से आप अगर आपको पसंद करता है तो मैं आपका बन सकता हूँ, ठीक है, मैं आपका बन सकती हूँ। तभी इनका जो प्रपोजल होगा कालिदास का हमारे सर का, तो एक्चुअली में ये आपके सुंदरता को लेकर प्रपोज करेगा, ठीक है, तो इनका जो भी डायलॉग होगा वो सुंदरता के ऊपर होगा, ठीक है, तो सुंदरता को लेके आप एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है, तो आप एक्टिंग करेगा नहीं, ये आप एटलीस्ट 3 कदम पीछे से आइए, अगर एक्शन करेगा तो आपका चलना भी ऐसा होगा कि एक बुड़बक इंसान जैसे ही चलना होगा। ओके चले सर एक्शन, चलिए आइए। ओ रानी, ओ रानी, मैं कालिदास एक महान बुर्बक आपको पाने की आशा रखता हूँ। आपकी सुंदरता मेरी नजरों के सामने सारी दुनिया को सबसे सारी दुनिया से सबसे सुंदर लड़की मैं आपको मानती हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ इस बुर्बक इंसान को आप अपना गुलाम बना के रखिए, मैं कुछ नहीं करूँगा सुबह शाम बस आपकी सेवा के अलावा। मैं आपको नहीं मानती क्योंकि आपने मेरी सुंदरता पे वो कहे तो चलो जो भी है थैंक यू आपको। ये तरह से एक्टिंग इसलिए आप लोग को दिखाया कि नंबर वन हम एक ही सोच में हम अपना दुनिया को बदल सकता है। आज आप लोगों ने बच्चा लोग मालूम नहीं होगा, थोड़ा बड़ा बड़ा लोग जो टीवी देखता है आप लोग अभी रशियन और यूक्रेन का लड़ाई सुनता होगा। हाँ ये सिर्फ है कि पुतिन ने सोचा कि ये यूक्रेन तो हमारा जो लार्जर रशिया का समय से ये मेरा अंदर में था, उस एक सोच से ही इतना बड़ा लड़ाई हो गया, इतना लोग मर रहा है। तो हमारा जीवन में भी ऐसे है, तुम लोग भी ना कल से अगर सोचेगा हमने जो आप लोग को दादा कराया हम आई एम द बेस्ट मतलब हम सबसे अच्छा इंसान है, हमारा अंदर में सभी गुण है, हम पढ़ाई लिखाई में भी अच्छा होगा, बातचीत में भी अच्छा होगा, हमारा काम में भी अच्छा होगा, हम स्कूल में भी सबसे बेस्ट स्टूडेंट रहेगा और घर में भी सबसे अच्छा बेटी होगा, नहीं होगा, हाँ मम्मी पापा का सबसे अच्छा बेटी होगा। हाँ आप बोलेगा कि हम सबसे अच्छा भाई है, हम सबसे अच्छा बहन है, अगर आप लोग ये सोच शुरू कर देता है अभी से शुरू कर देता है, हम जो बोला मम्मी से भी बात करो, हाँ आज डीसी सर ने ऐसे बात किया था बोल के, अच्छा था कि नहीं करता उनको पूछो, तो हमको सोचना है कि मेरा स्कूल सबसे अच्छा है, चाहे वो दरवाजा ठीक ना हो, चाहे वो बेंच ठीक ना हो, बोर्ड भी ठीक ना हो, तभी भी आप सोचेगा ना मेरा स्कूल सबसे बेस्ट है तो बेस्ट होगा। सिर्फ सोच है, सोच में है ही देखो कालिदास कितना विद्वान आदमी हो गया। तो उन लोग का साथ जितना ट्रेनिंग से इधर आओ, एक गाना गाओ दिव्यासी सर, वो आप ट्रेनिंग लोग को भी क्लास लेने दीजिए, समय के लिए उन लोग आता है क्लास में। अरे 2 मंथ्स तो पूरा सिलेबस ही खत्म कर सकता है हम लोग, माइक ले लो चलो। हाँ सबसे पहले हम लोग वही गाना को गाएगा जो आगे बच्चा लोग का साथ गाया था ना। हाँ अच्छा चलो, हाँ ये नहीं सर, हाँ कौन नहीं चलो, हाँ हाँ गाना सुनेगा कि नहीं सुनेगा, हाँ नहीं ऐसे चलो। हाँ ये लोग भी मालूम नहीं कौन से गाना को गाने वाला है सारे इतना दुखी है ना, हम हमेशा दुखी ही होता है लेकिन खुशी होने के लिए कोशिश करता है, लेकिन आप लोग को देखने से ना
हम बहुत खुशी होता है, इसलिए हर स्कूल में जाता है। गाना ये होगा, जब कोई करे दिल भी जानता है रे। सर लोग भी गाएगा तो आप लोग, मैडम लोग भी गाएगा, टीचर लोग, स्टूडेंट लोग भी गाएगा। चलो 1 2 3 जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पर जाए, हमारा बात सब लोग बोरिंग हो जाएगा, इसलिए ये टीचर लोग से है ना, हम आप लोग थोड़ा सा बोरिंग मत हो, हाँ थोड़ा सा तपस्या करो, आंग बंद करो, थोड़ा सा सो जाओ, होगा तो ये मैडम लोग अपना एक्सपीरियंस। आज कितना दिन हो गया इधर, कितना दिन हो गया, 3 महीना हो गया, तो आप लोग में से कौन बोलेगा, अपना एक्सपीरियंस शेयर करो हम लोग को। हाँ चलो, डायरेक्ट पॉइंट में आगे बताएगा। तो ये 2.5 मंथ्स हम लोग यहाँ पर था, इट वॉज अ रियली गुड एक्सपीरियंस, बहुत कुछ सीखने को भी मिला है, बच्चों से भी हम लोग बहुत कुछ सीखा है, और हम लोग भी बहुत कुछ अपना आप में भी चेंजेस लाया है कि कैसा बात करना है। बोला ताली बजाओ, हर एक बच्चा को कैसे कैसे डील करना है वो सीखा है, बच्चा का नीड्स क्या है वो चीज हम लोग सीखा है, हम लोग अपना आप को भी चेंज किया है इस दौरान में, बहुत कुछ सीखा है हम लोग का, टीचर से भी बहुत कुछ सीखने को मिला है, स्कूल को भी कैसे मैनेज करना है, हर एक चीज बहुत अच्छा से सीखने को मिला है। और एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट सीखने को ये मिला है कि टीचर्स का क्या इम्पोर्टेंस है पढ़ाई लिखाई में, स्टूडेंट्स कितना मैटर करता है, वो सब हम लोग सीखने को मिला है। एंड थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर योर कोऑपरेशन आल्सो, थैंक यू। सवाल है सबसे तकलीफ क्या था, और सबसे मैंने सबसे स्टूडेंट में से यहाँ में अभी हमको बताना है कि कौन सबसे झमेला था। हाँ नहीं नहीं तो बात बोलो, कुछ नहीं, ये आज बहुत अच्छा है कि हम लोग ये एक मौका मिला, हम लोग को भी मौका मिला, तो बताओ आपको सबसे तकलीफ क्या चीज था। हम तो थोड़ा लकी था कि हमको क्लास 5 और क्लास 8 मिला था, हम लोग का जितना भी ट्रेनीज है उससे सबसे सुना है कि क्लास 7 सबसे तकलीफ था। क्लास 7 हाथ उठाओ, हाँ क्लास 7 लोग, सब लोग बाहर निकालो, उधर का लाइन करो, अभी क्लास 7 लोग इधर आ जाओ, चलो लाइन करो करो, क्लास 7 आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ तो नेक्स्ट एक्सपीरियंस अपना बता, एक और टीचर ने अपना एक्सपीरियंस बता जो अच्छा। ये आप क्लास कितना, आप कितना 8 और 5 को कितना, 8 और 5 को पढ़ा है, 7 को कौन क्लास है टीम के, आओ आ जाओ, हाँ चलो 7 पढ़ती लोग आ जाओ, हाँ चलो, हाँ चलो 7 प्लीज आ जाओ आ जाओ। अच्छा हमारा ये हेडमास्टर सर थोड़ा से हम कुछ ये बच्चा लोग को पेप्सी पिलाएंगे क्या, लेके आओ तो पेप्सी लेके। क्लास 7 का टीचर जो है और अपना एक्सपीरियंस को बताएगा, आप ऐसे बताना है, आप जो तकलीफ मिला है ना मैडम, आपको जो तकलीफ मिला है उसको बताना है, और उन लोगों को बताना है कि
टीचर का साथ कैसे कोऑपरेट करना है तो ताकि अच्छा एग्जाम दे सकेगा और फ्यूचर में अच्छा इंसान बन सकता है। आप लोग का कब खत्म हो रहा है? ये नवंबर है। हाँ चलो फिर भी आप बोलिए अभी। ओके सर, वैसे मेरा क्लास तो अच्छा ही है, अटेंड करता है, पर बाकी कलीग्स के साथ इतना अच्छा नहीं होता है। पर हाँ, मेरा क्लासेस में लास्ट बेंचेस बहुत डिस्टर्ब करता है। तो लास्ट बेंच कौन है? इधर आ जा। लास्ट बेंच वाला यहाँ आ जा, बुला दो इधर 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 आ जा। जॉन टाइंग, जॉन टाइंग कौन है? जॉन टाइंग आ जाओ। जॉन टाइंग एब्सेंट, चलो दूसरा। नहीं नहीं चलो, ज्योति आजा आजा आजा, कम 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 कम, यहाँ अरिगन, इजुर इस्लाम, कौन है? इजुर इस्लाम, तपू, आजा आजा, आए ताली बजाओ तपू के लिए, सब लोग ताली बजाओ तपू के लिए, आजा तपू का है, तपू गुड। अरे इतना अभी और कौन है? हम लोग को एक फोटो खींचो रे, जोखम जोखम जोखम, यस यस। और हाँ जा जा जा, यस सर, अच्छा हिको ना, हिको 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 कौन है? हाँ हिको आजा आजा, कम हिको, हाँ गुड, बढ़िया, ताली बजाओ। और है क्या? ये हो गया। राज 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 राज, चलो इधर आ, हाँ चलो चलो चलो, अच्छा हम लोग ना, हम लोग ऐसा करेगा, मेरा पीछे पीछे आप लोग करेगा, हाँ ठीक है ना? ये रुको, मेरा माइक को कोई पकड़ देगा क्या? आओ इधर आ, हम लोग ऐसा करेगा, सबसे पहले अपना कान को ऐसे पकड़ेगा, मेरा सबसे, मैडम बोलो, मैडम मैडम, कल से हम लोग बहुत अच्छा बच्चा होगा, मैं डीसी का सामने में प्रॉमिस करता है, तो हम लोग कल से हम लोग अच्छा बच्चा हो जाएगा। ये थैंक यू, तो आप लोग की जगह में जाइए ठीक। तो ये आप थोड़ा से रुको, आपका एक्सरिंग मैडम का क्लास टीचिंग कैसे था बता दो थोड़ा, मास्क को आता था अभी के लिए। अच्छा था सर, क्लास कैसे किया? कोई एक चैप्टर को जो पढ़ाया था उसको हम लोग को बताओ, कोई भी चैप्टर एक हम लोग को आज बताओ, मैडम जो पढ़ाया हुआ, कोई भी ततिंग कौन है? ततिंग आ जाओ, मैडम का जो पढ़ाया वाला कोई भी सब्जेक्ट होगा, चैप्टर होगा, उसको लेके, हाँ कोई भी सब्जेक्ट, हम लोग चैप्टर 12 को पढ़ाया था, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन एंड प्लांट्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स, इन क्या इन चैप्टर 12 में हम लोग को रिप्रोडक्शन का भी पढ़ाया था, और रिप्रोडक्शन जो दो टाइप का, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो जो बिना सीड का वो जो कुछ नया प्लांट बोर्न होता है ना, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सीड्स का साथ
लेके आ रहे हैं न्यू सक्सेस आर फॉर्म ना। उसके बाद ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में क्या हम लोग वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कराया था, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में आता है चलो ठीक इसको तो प्राइज देना है ना। डीडीएससी सर को रिक्वेस्ट कर, नहीं तमाशा जिला साहब इधर आइए, अरे आप है तो अभी डीडीएससी सर भी आइए, यह तो अच्छा है। मैं क्या तो जितना भी स्टूडेंट है देखो लाइफ में आपको अपना को दिखाना ही पड़ेगा। हमको लोग करा पाता है, जो दिखता है वो बिकता है, लेकिन हम अपना जिंदगी में जितना भी आप पढ़ाई कर रहा है कहीं ना कहीं आप हम जो अभी स्टोरी बता रहे हैं वो स्टोरी में मैं यही बताने जा रहा था कि आपको इस दुनिया में कंपटीशन में ही आना होगा, बिजनेस हो, पॉलिटिक्स हो, नौकरी का हो। और दूसरा चीज़ ये है कि अभी ये कोशिश किया, दो तो बात नहीं कर पाया लेकिन ये तो कोशिश किया, इसलिए हम लोग ये इनाम दे रहा है डीजेसी का प्रेजेंस में। हमारा ये जिला साहब को बोलेगा इसको प्राइज देगा। चलो तो ये है हम जाइए अभी से, हम हर महीना में इधर आएगा, ऐसे ही क्लास पढ़ाना होगा। आप लोग जो क्लास में सीखा है हम लोग ऐसे बैठेगा, आप लोग हम लोग को बताना है पढ़ाना है। जैसे अभी तो बायोलॉजी का कुछ सब्जेक्ट था, बायोलॉजी का कोई सब्जेक्ट था उसको पढ़ाया है, बहुत कोशिश किया है और अच्छा से और करेगा। हम इसलिए सुबह से आप लोग को प्रोमिस करा, आई एम द बेस्ट बोला है ना, अपना बेस्ट को शो करना होता है, दिखाना होता है। जो दिखता है वही बिकता है आज का समाज में। आप दिखा नहीं सकेगा आप मर जाएगा, सर जाएगा, तो ऐसा है। तो क्लास सेवन आप लोग अपना सीट में फिर जाके बैठिए। आप लोग ऐसा मत सोचिए कि आज भूखा प्यासा ही रखेगा, अरे भैया आप लोग सर आप लोग बैठ जाइए, कोई बात नहीं अभी। हाँ तो ये क्लास सेवन बैठिए, तो आप लोग बिल्कुल अच्छा बच्चा होना है। तो अभी ये आपने कौन से क्लास को लिया था? क्लास एट तो बहुत अच्छा है बोला, तो क्लास एट और फाइव तो अच्छा है बोला, तो सेवन तो ये चला गया। और दूसरा कौन से क्लास ठीक नहीं है? प्रिंसिपल सर आज कहाँ चला गया? नहीं, अरे प्रिंसिपल सर जल्दी तंदा लेके आए, बच्चा लोग को तंदा पिलाना है, नहीं तो ये लोग मेरा बात सुनेगा ही नहीं। आप कौन से क्लास में था? पोर में। अच्छा, पोर का आपका एक्सपीरियंस बताइए। हाँ, पोर का बच्चा लोग जितना मेरा ऑब्जर्वेशन से बहुत अच्छा है, वो लोग अच्छा है, टैलेंटेड लोग भी है, मतलब कंट्रोल कर सकते हैं वो लोगों। अच्छा, आपका पोर का एक स्टूडेंट को नाम याद है, बुलाओ। बसुमतरे बसुमतरे, गुड, माइक को ले लो। हाँ मैडम, क्लास में क्या पढ़ाया कोई वो हम लोग को बताओ। कौन मैडम, कौन से सब्जेक्ट पढ़ाया, सब्जेक्ट क्या पढ़ाया मैडम? ये मैडम, मैम मैम जो ये क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाया आपको? चैप्टर 16। हाँ, उसका बारे में कुछ बताओ, क्या क्या पढ़ाया? कुछ नहीं है, वो लोग को देखो, कुछ याद है? कोशिश करो। अच्छा, जो भी हो क्लास ए फाइव ना फोर और क्लास एट सेवन, एट का कौन पढ़ाया बोला आपका?
एट का कोई स्टूडेंट को बुलाई पिसा पिसा हाँ आ जा आ जा आ जल्दी आओ, समय बहुत कम है, सब लोग बहुत अभी गुस्सा हो रहा है हमको, हम भी चला जाएगा कोई बात नहीं, आ जा आ जा। मैम क्या पढ़ाया थोड़ा आप बताओ, कौन से सब्जेक्ट कौन से चैप्टर? साइंस चैप्टर 10 में हम लोग पढ़ा था एटो एटो लेंसेंस एंड एटो लेंसेंस जो आराम से आराम से हमेशा आप जब बात करेगा आप सबसे पहले पिक्चर अपना ब्रेन में पिक्चर को लेगा आओ, जो आपका जो चैप्टर जो पढ़ा है ना आपका ब्रेन में वो चैप्टर को लेके आओ। लाया 1 2 3 आ गया? नहीं आया, नहीं आया। अच्छा ठीक है चलो होगा होगा ठीक है होगा जा हाँ चलो ठीक है। हम लोग मैम से थोड़ा से सुनता है कौन से चैप्टर है ये? चैप्टर नंबर 9 पढ़ाया था रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस और चैप्टर नंबर 10 द रीचिंग एडोलेसेंस और अभी हम जैसे पढ़ा रहे नेचुरल फिनोमेना। ओके तो ठीक है अभी तंदा भी आ गया, आप लोग तंदा पी के हल्ला गुला जो करना है करो हाँ, हम लोग पिलाते रहिए। तो हम लोग का एक और आप लोगों को एक हम लोग कौन से गाना गाएंगे? अच्छा आप लोग जब तक पेप्सी ब्रेक हाँ पेप्सी ब्रेक में हम लोग गाना गाएंगे, आप लोग गाना सुनिए। हाँ चलो चलो पेप्सी पेप्सी जल्दी जल्दी पियो हाँ, 2 मिनट का ब्रेक है पेप्सी ब्रेक। अच्छा आप लोग ये पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा हम लोग गएगा सब ना हाँ ठीक है चलो 1 2 3 वन मोर क्यों नहीं बोलते हैं? सब लोग बोलना है ना, वन्स मोर जोर से बोलो ना। क्या पेप्सी पेप्सी टेस्ट नहीं है क्या? हाँ जब जब हम आएगा पेप्सी पिलाएगा, तब तो हम आते रहना होगा ना। अच्छा जो भी हो आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद और टीचर लोग को यहाँ हमारा बस्ती का लीडर लोग भी अभी भी हमारे लिए रुका हुआ है, उन लोग का काम होता होगा
तो इसलिए हम चल देगा, आप लोग ये स्कूल को अच्छे से देखभाल कीजिए। और आप लोग क्या क्या सब्जेक्ट, सब अलग अलग सब्जेक्ट है, साइंस का कौन कौन, क्या मैथ्स बायोलॉजी मैथ्स कौन कौन है, 1 2 3 विदेशी सर, देखो ये लोग तो